All right, everybody. So we'll start off our day with this lovely desi chai. ठीक है, कुल्हड़ वाले स्टाइल के ये कप्स और मग्स हैं और बहुत ही यमी है। पिछले दो दिन से हमने इसको ट्राई किया है, तो सबसे पहले आगे तो हम यही पीते हैं। थैंक यू। No. Great, everybody. So today is 29th of March and we're starting off our day with this lovely breakfast. यहाँ पे है स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, ये हो गई मसाला चाय, यहाँ पे कुछ फ्रूट्स और इसके साथ तो एकदम हार्ड कोर फिर मैं एग्स एंड सॉसेजेस और ये सब खाऊँ। सो काफ़ी कलरफुल सा हो गया हमारा प्लेट। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले फ्रूट्स खाते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है, रोज़ बाहर का खाते हैं अब, मतलब लिटरली अब तंग हो गए हैं। अब ऐसा होता लग रहा है दैट घर का भी कुछ मिलना चाहिए या फ्रूट्स खा के मतलब थोड़ा डिटॉक्स करते हैं। इस होटल का जो ये रेस्टोरेंट एरिया है काफ़ी अच्छा है। अगर हम यहाँ पे रहते हैं तो आप लोग लंच डिनर ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो गाइज नहीं है। जो यहाँ पे आइटम्स भी हैं दे हैव अ डिसेंट स्प्रेड। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि सारे होटल्स में यूजुअली होते हैं। ऑल्सो यहाँ के जो स्टाफ है बहुत अच्छे हैं, दे टेक गुड केयर ऑफ यू, काफ़ी हम्बल है, हेल्पफुल है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे आपका एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो जाता है। और सुबह सुबह क्या था, चलिए सनी साइड आ गया। ओके अच्छा, थेपला गुजराती तो एक्चुअली सुबह सुबह मेरे से तो मतलब पराठा और ये फ्राइड आइटम्स ये सब नहीं खाया जाता, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग एवरी डे, क्योंकि लंच डिनर में ये सब ही हम खा रहे हैं बाहर, हैवी हैवी आइटम्स जो होते हैं, पेट को भी आराम दे रहे हैं। तभी मैंने सोचा थोड़ा यही जूस मिल्क शेक और फ्रूट से पहले पेट को थोड़ा सा मतलब कूल करते हैं और फिर एग सॉसेजेस ये सब तो मैं खाऊंगा ही। यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही हैं मतलब जो आप ब्रेकफास्ट में पॉसिबली खा सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम पैनकेक्स, देन फ्रूट्स, ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स और उपमा, डोसा, मतलब सारी चीज़ें ही हैं। वैसे यहाँ पे ज़्यादातर लोग गुजरात में मतलब वेजिटेरियन प्रेफर करते हैं, तो इनके जो फूड आइटम्स भी हैं मैक्सिमम वेजिटेरियन ही है। वाटरमेलन खाते हैं। ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है क्योंकि बाहर तो मतलब बुरी हालत, बहुत गर्मी है। सुबह हमारे लिए सनी साइड अप और सॉसेजेस के साथ, मॉम के लिए यहाँ पे है थेपला। सो ठीक है ना, टिपिकल गुजराती स्नैक या जो भी बोलते हैं स्टेपल गुजराती फूड आइटम थेपला विथ कर्ड। और अभी हम ये भी खाने वाले हैं। एग एंड सॉसेजेस की बारी। वेरी नाइस। वेरी नाइस। सो गाइस आज का प्लान तो ये है कि हमने सोचा था हम लोग अक्षरधाम जाएंगे, अक्षरधाम जो गांधीनगर में है। कल हम लोग नहीं जा पाए थे क्योंकि मंडे को बंद रहता है। ओके, तो अभी ब्रेकफास्ट के बाद ऊपर जल्दी से रेडी वेडी होके हम निकल जाएंगे। 11:30 मैक्सिमम तक हम निकल जाएंगे। अभी 10:30 हो रहा है क्योंकि फिर बाद में गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जितना जल्दी हो सके और वेदर मतलब ज़्यादा गर्म ना हो उसके पहले ही घूम लेते हैं। जो बाहर का है वो थोड़ा आउटस्कर्ट मतलब अहमदाबाद से थोड़ा दूर है, आई थिंक 30 किलोमीटर्स दूर है, तो वो एरिया वो सब थोड़ा बहुत देख के वापस हम लोग अहमदाबाद आ जाएंगे। और फिर जो शाम का प्लान है वो सब देखेंगे, मतलब ऑन स्पॉट ही डिसाइड करेंगे। ये भी बहुत डिलीशियस है, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। तो अगर आप लोग कभी ऐसे रेस्टोरेंट ऐसे होटल्स में आते हो
तो वन थिंग इज़ फॉर श्योर, जो फूड क्वालिटी और जो फूड प्रिपरेशन जो होता है वो एकदम A1 टॉप नॉच होता है, मतलब बहुत ही डिलीशियस, क्योंकि सारे मतलब स्किल्ड शेफ्स हैं जो होटल इंडस्ट्री में मतलब काफ़ी टाइम जो लोग बिताते हैं, और जो कलिनरी जो होता है इनका एक्सपर्टीज़ होता है, तो बी इट साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, कुछ भी कॉन्टिनेंटल, कुछ भी आप खाना चाहो काफ़ी अच्छे से मतलब प्रिपेयर करके देते हैं आपके लिए। तो प्रेफरेबली हाँ, मतलब होटल के जो ब्रेक होटल्स के जो ये रेस्टोरेंट्स होते हैं यहाँ पे, मतलब ब्रेकफास्ट रिक्वेस्ट तो ज़रूर करना चाहिए, और जितने यूनिक आइटम्स आप लोग खा सकते हो वो ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जो बाहर आपको पराठा डोसा ये सब चीज़ें मिलती हैं ना, उसको और इधर अगर आप खाओ ना, मतलब यू विल एक्चुअली स्पॉट अ ह्यूज डिफरेंस। तो ऐसा नहीं है जो मतलब मैं ब्लाइंडली इस चीज़ को बोल रहा हूँ, आपने देखा है मैं बाहर भी बिंदास खाता हूँ भर भर के, काफ़ी स्ट्रीट फूड मैं ट्राई करता हूँ खाता हूँ पर यहाँ पे अगर मतलब यहाँ पे है मतलब जो पूरा जो आपका एनवायरनमेंट है काफ़ी अच्छा लगता है, लाइवली सा एक्सपीरियंस, क्योंकि पीछे लाइट म्यूज़िक भी चल रहा है तो इनका म्यूज़िक का चॉइस भी बहुत अच्छा है, तो ये कुछ एडवांटेज होते हैं अगर यहाँ पे अगर आप डाइन इन करते हो तो। हो गया, अरे भाई साहब, तो हमारे लिए अभी क्या है इसका, क्या पैनकेक्स वॉफल विद चिकन, नमकीन ही है ना, मीठा तो नहीं है ना, बैलेंस रहेगा। तो हमारे साथ हैं शेफ गौरव, जिन्होंने बहुत मेहनत और इन्होंने मुझे सजेस्ट कर दिया था दैट एक बहुत ही कूल सी चीज़ ये बना के देंगे, क्योंकि लास्ट दो तीन दिन से मैं सॉसेजेस अंडा वंडा ये सब खा ही रहा था, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया दैट कुछ हम लोग और ट्राई कर सकते हैं क्या, सो दैट्स व्हेन ही सजेस्टेड दैट आई शुड ट्राई दिस एंड इट लुक्स अमेजिंग। अभी आपको मैं ऊपर से भी व्यू दिखाता हूँ, और ये ऊपर चिकन एंड वॉफल, ओके अल्टीमेट, थैंक यू गाइस, दिस इज हाउ इट लुक्स, क्या लग रहा है मतलब आप इसकी लुक देखो, सो दिस इज पैनकेक विद चिकन, और आई थिंक क्या बोला था, बटर मिल्क से इसको क्या कहते हैं गार्निश किया है। चलिए अब इसको खा के देखते हैं, तो ये तो हो गया चिकन, इसको पहले मैं ऐसे ही बाइट लेता हूँ, अमेजिंग, मतलब ऐसी जगह आके ना ऐसे यूनिक यूनिक आइटम्स आप लोग ट्राई कर सकते हो, मुझे पता भी नहीं था वॉफल चिकन कुछ होता है, फिर शेफ मुझे बता रहे थे दैट अमेरिकन्स बहुत प्रेफर करते हैं इसको, और ये छोटे छोटे टोमेटोज हैं या क्या बोलते हैं इनको, टाइनी टोमेटोज, माइंड ब्लोइंग, ये बहुत डिलीशियस है, और ऐसा भी नहीं है दैट ओवर फ्राइड है, अब क्योंकि नीचे जो दो लेयर्स हैं ये तो आपके वॉफल्स हो गए ठीक है, ऊपर दो पीस चिकन है, मुझे पता नहीं इसको खाते कैसे, मतलब क्या वॉफल के साथ बाइट लेके खाते हैं, अभी वो भी कॉम्बो अभी ट्राई करेंगे। तो लाइक आई वाज सेइंग, यहाँ के जो स्टाफ है मतलब बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत फ्रेंडली है, मतलब हॉस्पिटैलिटी एट इट्स पीक, सो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, जो सॉसेजेस भी आएगा ये भी होगा, अब मैं इसको देसी स्टाइल करके खा रहा हूँ हाथ से ही तोड़ के, वाओ, वेरी यूनिक, प्रॉबली दिस इज़ द बेस्ट पैनकेक, बेस्ट वॉफल आई हैव एवर हैड, जो मीठा वॉफल तो यूजुअली सब खाते हैं, आइसक्रीम चॉकलेट वॉकलेट वाला, हाउ एवर सत्य थे मैंने इमनी ना जी हमें एग्जैजरेट कर ची, ऐसा नहीं है जो मैं एग्जैजरेट बड़ा चढ़ा के बोलूँ, थैंक यू, थैंक यू, दिस टेस्ट सो अमेजिंग, इसमें ना मतलब स्वीट एंड सेवरी मतलब दोनों फ्लेवर्स आप इजीली मतलब आप फील करोगे, आई थिंक मस्टर्ड सॉस भी है इसमें,
मीठा मीठा हल्का फ्लेवर भी आ रहा है। अब एक बाइट लेते हैं वॉफल के साथ। अमेजिंग कॉम्बो। जैसे शुरू में थोड़ा सुन के अजीब सा लग रहा था दैट वॉफल के साथ चिकन कैसा होगा, तो फिर शेफ़ ने कहा अरे मैं बना के देता हूँ आप देखना, मतलब बहुत ही यूनिक चीज़ है, बहुत लोग पसंद करते हैं। पता नहीं ब्रेकफास्ट में लोग प्रेफर करते हैं कि नहीं, क्योंकि हाँ मतलब चिकन तो मतलब फ्राइड है, वॉफल्स तो खाते हैं लोग ब्रेकफास्ट में भी। हावर आई एम नॉट श्योर जो मतलब ये वाला कॉम्बो लोग ब्रेकफास्ट में ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्या मतलब लंच डिनर में, बट वॉट एवर हमारा तो ब्रेकफास्ट ही हो रहा है अभी, बहुत ही अल्टीमेट चीज़ है। आई डोंट नो कौन सा सॉस डाला है इसमें, सॉस है जैम है क्या, क्योंकि हल्का हल्का मीठा, हल्का सा टैंगी, हल्का नमकीन, मतलब बहुत अमेजिंग कॉम्बो है।